2018 की मिस एशिया तान्या मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन किया है। उनका कहना है कि मोदी से बेहतरीन नेता कोई नहीं है। वे बुधवार को रोहतक में एक समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश का संपूर्ण विकास हुआ है, यही वजह है कि वे नरेंद्र मोदी की फैन है। लोकसभा चुनाव का दौर पूरा चरम पे है, आप किसको, मोदी या राहुल गांधी किसको? मैं अपना वोट मोदी जी को दूंगी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, क्योंकि वो सेल्फलेसली इस देश के लिए काम कर रहे हैं। शायद पहले ही मिनिस्टर होंगे जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी पूरा दिन काम करते हैं। अभी तक 9 छुट्टी का रिकॉर्ड बनाया है उनने, और इतने बड़े देश की पूरी जिम्मेदारी मेरी समझ से उन्हीं को देनी चाहिए। विपक्ष तो काफी सवाल उठाता है, विपक्ष तो उनको राहुल गांधी खासतौर पर उनको विपक्ष तो है ही इसलिए जिससे वो सवाल उठाए, और ऐसा नेता मिल जाए जो सारे विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाए, वही तो इंडिया चला पाएगा। तो राहुल गांधी में क्या कमी है, उसका वोट क्यों मिलता है? सर, कमियां ढूंढने निकलेंगे तो मोदी जी में भी मिल जाएंगी, मुझ में भी मिल जाएंगी, तो मैं बहुत छोटी हूँ किसी में कमी निकालूं उसके लिए। मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने बोला मेरी नजरिए से मोदी जी बेस्ट है, और नजरिया सबका अलग होता है। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए कहती तो प्रचार करेंगे? मैं सही का प्रचार करने में विश्वास रखती हूँ। बीजेपी का झंडा लेके घूमू या नहीं घूमू, अच्छाई और सच्चाई का झंडा लेके जरूर घूमूंगी। अच्छा, अभी काफी हाई प्रोफाइल जो एक्टर हैं वो बीजेपी ज्वाइन किए, तो अगर नियर आने वाले टाइम में आपको कहा जाए तो आप ज्वाइन करेंगे? सर, 1 साल बाद की तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं क्या सोचूंगी, क्योंकि इंसान है, मन विचार सब बदलते रहते हैं। बट जब भी आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं या फिर आप एक पब्लिक फिगर रहते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपसे जुड़े जो लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। इसलिए जितने भी स्टार्स हैं वो बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उनसे जुड़े जो लोग हैं वो जिम्मेदारियों को समझें। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ, तो मुझे मौका मिल रहा है अगर कोई चीज़ मेरी ओपिनियन में सही है तो बाकियों की ओपिनियन भी चेंज करूँ।